आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है, अलॉय ए एंड बी कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 1:3 एंड 3:5 रेस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो ए एंड बी मिक्स टू गेट अ न्यू अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक इन रेशियो 1:2। ऑप्शंस गिवन है 3:4, 2:1, 1:2 एंड 4:5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे रखा है, ए एंड बी के अंदर अलॉयज का रेशियो दे रखा है, तो हम क्या करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू रेशियोज के अंदर फाइंड आउट करने का मेथड होता है, क्या होता है, ए के अंदर अलॉय वर्सेस जिंक आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1:3। देन एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू आपको गिवन है 1/ टोटल वैल्यू 3 and 1 4x, ये आपकी हुई अलॉय की। देन जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा आपका 3/टोटल वैल्यू 4x, ये आपका हो गया मेटल 1, जो आपको 1 दे रखिए कॉपर और जिंक का है अलॉय 1 के अंदर, ये आपको कॉपर एंड जिंक का दे रखा है अलॉय के अंदर, अलॉय ए के अंदर क्या आपको दे रखा है कॉपर एंड जिंक का रेशियो दे रखा है 1:3 के अंदर। कॉपर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स, जिंक की क्या हो जाएगी 3/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये आपका हो गया 1/4x एंड जिंक का हो गया 3/4x। सिमिलरली हम क्या करते हैं, अलॉय 2 के अंदर देखते हैं, अलॉय बी क्या हो जाएगा कॉपर रेशियो जिंक आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3:5। तो सेम प्रोसेस दोनों का 3x3, इस बारी आपको y लेना है क्योंकि आपको क्या हो गया इस बारी अलॉय बी है, तो ये क्या हो जाएगा 3/8y, ये आपका जाएगा कॉपर। देन जिंक क्या हो जाएगा 5/8y, ये आपका हो गया कॉपर एंड जिंक का रेशियो अलॉय बी के अंदर। देन हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर में कॉपर ऐड एंड जिंक में जिंक ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉपर अपॉन जिंक, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जगह 1/4x प्लस 3/8y अपॉन 3/4x प्लस 5/8y, और ये वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है 1:2 के अंदर, क्योंकि हमें फाइनली बोल रखा है इसने कि 1:2 के अंदर इसमें फाइनली हमें जो मेटल मिलता है वो है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या जाएगा 1/4x प्लस 3/8y मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 3/4x प्लस 5/8y। देन उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/2x प्लस 3/8y इक्वल्स टू 3/4x प्लस 5/8y। देन x एंड y को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x को इधर y को इधर, तो ये हो जाएगा 3/8y माइनस 5/8y इक्वल्स टू 3/4x माइनस 1/2x। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पर आपके पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पर आएगा इधर आएगा आपके पास 8, 4, 2 जा 6x माइनस 6y माइनस 5y इक्वल्स टू, ये आपका जाएगा 4, 3x माइनस 2x। इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे y डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 4। देन x अपॉन y, ये क्या आ जाएगा आपका 4/8, इट मीन्स 1/2। देन x रेशियो y आपका कितना आ जाएगा 1:2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।